खुश आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकल्स जिसको मटेरियल साइकल्स भी बोलते हैं ये इकोसिस्टम एक एक की फंक्शन है जैसे कि लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल पायरामिट्स के बारे में डिस्कस किया था वैसे ही बायोजियोकेमिकल साइकिल भी एक इकोसिस्टम एक की फंक्शन है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कुछ की कंसेप्ट के बारे में जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में होते हैं तो फर्स्ट वन इज रिजर्वायर एंड पोल तो रिजर्वायर क्या होता है ये एक स्टोरी साइट है जहाँ पे एलिमेंट्स एक्यूमिलेट होते हैं बहुत ही लंबे अरसे तक जैसे कि ओशन में होते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ओशन में वाटर होता है और पूल्स पूल pool होता है क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इन स्पेसिफिक फॉर्म किसी भी स्पेसिफिक फॉर्म में कोई क्वांटिटी होगी किसी एलिमेंट की जैसे नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी इन सॉइल होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड ओमोनिकल फॉर्म तो ये नाइट्रोजन का पूल हो गया कुछ और टर्म्स है जैसे फ्लक्सेस एंड पाथवेज तो फ्लक्स होता है किस रेट पे एलिमेंट मोमेंट करता है फ्रॉम वन रिजर्वायर टू तो अनदर रिजर्वायर फॉर एग्जांपल ओशन से वो ऑपरेशन होती है टू तो द एटमॉस्फेयर तो इसको फ्लक्स बोलते हैं दूसरा होता है पाथवे तो ये डिफरेंट प्रोसेस होती है इंटरेक्शन्स होती है थ्रू द साइकिल फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो हमें वेपर टू लिक्विड फॉर्म में जो रेन होता है स्नो होता है उसको हम प्रेस्पिटेशन बोलते हैं तो ये पाथवे होता है उसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है रेजिडेंस टाइम तो रेजिडेंस टाइम होता है एवरेज टाइम एलिमेंट और कंपाउंड स्टेज विद इन द रिजर्वा किसी भी रिजर्वायर में कितनी देर तक एक एलिमेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल ओशंस में कितनी देर तक वाटर रहेगा एटमोसफेयर में कितनी देर तक रहेगा बिकॉज एक साइक्लिक पैटर्न है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे तो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी देर रहेगा तो उसका रेजिडेंस टाइम है तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर जो है बायोस्फीयर में सर्कल करते रहते हैं मोमेंट करते रहते हैं तो बायोस्फीयर यहाँ पे जान लेते हैं वो एक स्फेयर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इस बायोस्फेयर में तीन स्फेयर और आते हैं एटमोसफेयर लिथॉस्फेयर एंड हाइड्रोसफेयर तो जो साइकिल होते हैं इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है मोमेंट्स रिजर्वायर्स के बीच में पूल्स के बीच में कोई एलिमेंट हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर में जाता है लिथोस्फीयर से फिर एटमॉस्फेयर में जाता है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में होता है हमारे पास इन द गैसेस फॉर्म तो ये ट्रांसफॉर्म होता है इन टू द बायोमास थ्रू द फोटो सिंथेटिक प्रोसेस तो ये हम आगे जान लेते हैं डिफरेंट साइकिल्स में ये कैसे काम करते हैं तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है कार्बन साइकिल कार्बन हमारे पास बैकबोन है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हों प्रींस हों लिपिड्स हों या न्यूक्लिक एसिड्स हों तो ये हमारे पास एनर्जी uh, ट्रांसफर करता है फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू द केमिकल एनर्जी एंड देन वही एनर्जी हमारी बॉडी में आती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि आप यहाँ पे एक डाइग्राम में देख सकते हैं हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है अराउंड 0.03 परसेंट और 0.04 परसेंट तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्लांट्स में चला जाता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ पे इस फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमलेट होता है ट्रीज में ग्रासेस uh, में जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये हमारे पास ये एनिमल्स जो है खाते हैं देन वो रेस्पिरेशन करते हैं फिर से ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है उसके अलावा रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो रेस्प्रेशन करते हैं और हमारे पास जो सॉयल में जो है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स जो हमारे पास डिफरेंट काइंडस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉयल में उसमें बंद हो जाता है डिके के बाद फिर से कार्बन थ्रू डिके प्रोसेस हवा में चला जाता है उसके अलावा प्लांट्स पर रेस्प्रेशन करते हैं कंबेशन प्रोसेस होता है जो वुड होता है या फॉसल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं उससे भी वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में चला जाता है तो इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है इन द गैसेस फॉर्म देन हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है इन द ऑर्गेनिक फॉर्म सॉयल में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में तो एक साइक्लिक पैटर्न बनाता है साइकिल्बन साइकिल तो जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में थ्रू फोटोसिंथेसिस और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और स्टोर होता है इनटू द बायोमास। उसके अलावा रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म्स जो है बायोमास को खाते हैं एंड वहाँ पे रेस्पिरेशन करते उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बाय प्रोडक्ट होता है तो जो हम फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं बाहर छोड़ते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड उसके अलावा डिकम्पोजन होती है जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया फाइनजा एक्टिनोमाइसिट्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं सॉइल में इनटू तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है फॉसलाइजेशन तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमारे पास फॉसल फ्यूल्स 300 मिलियन ईयर्स 60 मिलियन ईयर्स लगे हैं कोल को फॉर्म होने में तो ये एक प्रोसेस है कि लेथॉसफियर में जो कार्बन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे पास डेड प्लांट्स होते, होते हैं जेड एनिमल्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन हाई प्रेशर इन हाई टेम्परेचर ये कन्वर्ट होते हैं इन द फॉसल फ्यूल्स तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसको मिनिमम 60 मिलियन ईयर्स लगते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल फॉर्म ऑफ जो इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है वो होता है पीट उसको बनने में 60 मिलियन ईयरस लगते हैं और प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है कोल का उसको बनने में 300 मिलियन ईयरस लगते हैं उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस है कम्बशन जिसमें हम फॉसल फ्यूल उसको बर्न करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है वो रिलीज होता है जो उसमें कार्बन होता है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफेयर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल तो नाइट्रोजन जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमंस और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ तो एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन डायाटॉमिक फॉर्म में होता है और ये अराउंड सेवेंटी एट परसेंट होता है बट हम ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो नाइट्रोजन हवा में एन टू फॉर्म में है तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस है जैसे लाइटनिंग uh, लाइटनिंग में बहुत एनर्जी होती है जिससे फिक्स होता है ऑक्सीडाइज होता है और ये हमारी सॉयल में पहुँच जाता है इन टू नाइट्रेट फॉर्म नाइट्रेट फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्टली एसिमलेट होता है यानी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इसको प्लांट्स करते हैं और यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको वापस कन्वर्ट करते हैं इन टू एन टू फॉर्म उसको डीनाइट्रीफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज इसको करते हैं उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं फ्री लिविंग होते हैं इन सिम्बासिस होते हैं विद डिफरेंट प्लांट्स जैसे लिग्यूम्स इन में होता है हमारे पास राइजोबियम तो वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है इन ओमोनिकल फॉर्म और हमारे पास डिफरेंट नाइट्रीफाइंग फाइंग बैक्टीरियाज होते जो इस ओमोनिकल फॉर्म को अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू द नाइट्राइट फॉर्म और नाइट्रेट फॉर्म और ये फिर से हमारे पास एक और पाथवे से आता है जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मटेरियल चाहे प्लांट से हो चाहे एनिमल से हो उसमें ओमोनीफिकेशन होती है फिर से हमारे पास अवेलेबल होता है इन शॉर्ट प्लांट्स जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं इधर ओमोनिकल फॉर्म और नाइट्राइट फॉर्म तो ये एक साइकिल पैटर्न है एटमॉस्फेयर में ये एंटो फॉर्म में होता है सॉइल में ये एनो NO के फॉर्म में होता है या नाइट्रेट नाइट्रेट के फॉर्म होता है ओमोनिकल फॉर्म में होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्म में होता है नाइट्रोजन साइकिल में मेन प्रोसेसेस है जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है इनटू द ओमोनिकल फॉर्म तो इसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज हाँ इन्वॉल्व होते हैं या इंडस्ट्रियल हाइबरबोस प्रोसेस जिसमें हम uh, नाइट्रोजन डायरेक्टली ओमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे हम यूरिया वगैरह बना सकते हैं दूसरा प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में होता है कि जो उमोनिया यहाँ पे है बैक्टीरिया इसको नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म से उसके बाद एसमेशन होता है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू वाटर नाइट्रेट्स या ओमोनिकल नाइट्रोजन इनको कन्वर्ट करते हैं इनको अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे न्यूक्लिक एसिड्स या अमाइनो एसिड्स में देन ओमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में होता है जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ओमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और डिनाइट्रिफिकेशन होता है कि जैसे बैक्टीरियाज नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेसेस है जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन व्हाट इज एसिमिलेशन व्हाट इज अमोनिफिकेशन या डिनाइट्रिफिकेशन तो आपको ये पता होना चाहिए थर्ड इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस साइकिल जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में इसमें एटमॉस्फेरिक कन्स्टेंट नहीं होता है ये खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हमारे लिथोस्फीयर में पाया जाता है और ये फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डीएनए आरएनए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एटीपी में फॉस्फोलिपिड्स में पाया जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र जो बॉडी में होता है थ्रू एटीपी उसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये गैसेस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है फॉसोरस का जो मेन सोर्स है दैट इज़ रॉक्स तो रॉक्स में वैदरिंग होती है फिज़िकल केमिकल बायोलॉजिकल वैदरिंग तो वाटर के रिजर्वायर्स जो सॉइल में वाटर होता है उसमें चला जाता है देन एसिमिलेटर्स प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद प्लांट्स में चला जाता है एंड देन प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो जाती है एक्सक्रीशन हो तो वो फिर से डिकम्पोज होता है सॉइल में चला जाता है कुछ लीकेज होता है प्रस्पिटेशन होती है और सेडिमेंट्स डीप सी में चले जाते हैं मिनरलाइजेशन होती है तो डिफरेंट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है कि फॉस्फोरस पहले सॉयल में होता है फिर ऑर्गेनिक uh, जो हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसमें चला जाता है फिर से वापस सॉइल में चला जाता है और सॉइल में भी कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कहीं इसकी जो है लॉक uh, हो जाता है जो शायद फिर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है मिनरलाइजेशन होती है सॉइल में भी डिफरेंट uh, जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसमें वो कन्वर्ट होता है इनटू द अवेलेबल फॉर्म फास्फोरस साइकिल में मेन प्रोसेसेस है फर्स्ट वन इज वेदरिंग वेदरिंग होता है कि फॉस्फोरस रॉक्स रिलीज होता है इन द सॉयल ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट मिनरल्स का देन एब्जॉर्बशन तो so, सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फोरस uh, सॉइल में फिर अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके बाद ये ही प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मर जाते हैं या उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इसको इसकी डिकम्पोजन होती है फिर से ये सॉइल में चले जाते हैं एंड देन सेडिमेंटेशन तो सेडिमेंटेशन जो है एक्वेटिक सिस्टम्स में होता है फॉसफॉर सेटल डाउन हो जाता है सेडिमेंट्स में और ये फिर से वापस चला जाता है जोलॉजिकल टाइम फिर से बाइंड हो जाता है डिफरेंट रॉक्स में मिनरल्स में फोर्थ इंपॉर्टेंट साइकिल है वाटर और हाइड्रोजिकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो वाटर जैसे कि बहुत ही असेंशियल जो है लिक्विड है सॉलवेंट है मीडियम है रिएक्टेंट है फॉर बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस, तो ये हमारा वेदर को रेगुलेट करता है क्लाइमेट को रेगुलेट करता है और न्यूट्रेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन सिंपल टर्म हमारे पास वाटर जो है सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है इन टू द जो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स होता है वहाँ से मेल्ट डाउन होता है वाटर नीचे कुछ हमारे पास सरफेस वाटर में चला जाता है कुछ ग्राउंड वाटर में चला जाता है और हमारे पास फिर वहाँ से ये ऑपरेशन होती है वो ऑपरेशन प्रोसेस होती है ओशन से भी वो ऑपरेशन होती है फिर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होती है एंड देन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड देन रेन होती है या स्नोफॉल होती है जिसको हम प्रस्पिटेशन बोलते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है तो एटमॉस्फेयर में ये वेपर फॉर्म में होता है टिथॉसफेयर में यह वाटर या इसको हम आ, आइस के फॉर्म में होता है स्नो के फॉर्म में होता है ग्राउंड वाटर में होता है हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर होता है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है जैसे कि हमारे पास 75% परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द जिसमें 97% परसेंट जो है साल्ट वाटर है और तीन परसेंट हमारा जो फ्रेश वाटर है उसमें भी दो परसेंट लॉक है इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स और जो रेस्ट वन परसेंट है हमें डिफरेंट uh, जो है पूल्स में मिल जाएगा चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा या सरफेस वाटर में मिल जाएगा वाटर साइकिल के रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस है फर्स्ट इज इपरेशन इपरेशन होता है कि लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी लाइट गिरती है या इन्फ्राइट रेडिएशन इसको हीट अप करते हैं ऑपरेशन हो जाती है कंडेंसेशन होता है यही वेपर्स कूल डाउन होते हैं और क्लाउड्स फॉर्म करते हैं एटमॉसफेयर में फिर से ये चाहे आइस के चाहे स्नोफॉल के फॉर्म में आ जाए चाहे रेनफॉल के फॉर्म में आ जाए उसके बाद प्रेसिपिटेशन यही स्नोफॉल रेनफॉल देन इन्फिल्ट्रेशन एंड परकुलेशन तो वाटर इन्फिल्ट्रेट करता है एंड टू द सॉयल मीन्स कि ग्राउंड वाटर में वापस चला जाता है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं सरफेस एक जगह से दूसरी जगह जिसमें हम रिवर्स लेक्स या ओशंस मान के चलते हैं रन ऑफ में अब हमारे पास क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है ह्यूमन्स का ऑन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स तो फर्स्ट वन इज कार्बन साइकिल पर क्या इम्पैक्ट है तो इनक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन तो हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स में कार्बन था वो इमिट हो रहा है जैसे कोल में पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में तो जब कंबशन होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो फॉसल फ्यूल्स में जो कार्बन था ये करोड़ों अरबों साल से वहाँ पे बंद था तो हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन करते, है, करते, है, करते, है, करते हैं फॉरेस्ट भी कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैस्ट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल्स है एटमासफेयर में इंक्रीज़ हो जाती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है टम्परेचर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं सेकेंड इंपैक्ट इज़ नाइट्रोजन एंड फॉसफोरस ओवरलोडिंग हम यूज़ करते हैं आजकल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूरिया फॉस्फेट वगैरह जिससे एकोसिस्टम में ओवरलोडिंग हो जाती है और रन ऑफ के द्वारा जो हमारे नाइट्रोजन एंड फॉसफोरस हमारी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है उसमें यूट्राफिकेशन होती है एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स हो जाती है जिसकी वजह से अलगल्स अलगी जो होते हैं बहुत फास्ट ग्रो करते हैं जिसको अलगल ब्लूम बोलते हैं और एट द एंड वहाँ पे जो ये अलगी जब मर जाते हैं उसको डिकम्पोज़ करने के लिए ऑक्सीजन जो वाटर में होता है वो खर्च हो जाता है जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन और बायोडाव लॉस हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज़ ये जो फेस करते हैं यूट्राफिकेशन या जिसमें अलगल ब्लूम्स होते हैं उसके अलावा डिस्ट्रप्शन इन वाटरसाइकल जो हम डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं देखो फॉरेस्ट हम लगा लगाएंगे तो वाटरसाइकल बहुत इफिशेंट होगा डैम कंस्ट्रक्ट एट लास्ट क्या इंपॉर्टेंस है बायोजियोकेमिकल साइकिल की इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए फ़र्स्ट वन इज़ न्यूट्रन साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रन साइकिलिंग के लिए जो हमारी डिफरेंट प्रोसेस है जैसे कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल जो हम न्यूट्रेंट्स हवा से यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में चला जाता है फिर से वो अवेलेबल हो जाता है मींस देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो हमें बाहर से इनपुट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेकंड इज एनर्जी फ्लो सपोर्ट तो हमारे पास जो न्यूट्रेंट्स है या एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज़्म है बायोलॉजी इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू ओवर द इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है तो एनर्जी फ्लो होता है उस एनर्जी को कन्वर्ट करना इंटू द बायोमास उसके लिए मिनरल्स है तो उसके लिए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस चाहिए वो हमें लिथोस्फीयर से मिलता है तो एनर्जी फ्लो में मदद करता है तो खाली फोटोसिंथेसिस या सनलाइट से काम नहीं चलेगा बट उसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये भी इंपॉर्टेंट है उसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन में मदद करता है जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सिक्वेस्ट्रेशन होगा स्टोरेज ऑफ कार्बन और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो इससे क्लाइमेट मॉडरेशन होगा जैसे हमारे पास ओशन सेडिमेंट्स में कार्बन जो है स्टोर हो जाता है फॉरेस्ट में स्टोर हो जाता है तो ये क्लाइमेट रेगुलेशन में मदद करता है एट लास्ट सॉयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सॉयल फर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है जिससे एग्रीकल्चर इनपुट आउटपुट हमें इंक्रीज़ हो जाता है तो जितना हमारे पास सॉयल में नाइट्रोजन एंड अवेलेबल हो जाएगा तो उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये था लास्ट लेक्चर अबाउट द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम